शहर के कलाकारों की कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागपुर में संगीत कला एकेडमी द्वारा एक संगीत का कार्यक्रम लिया गया। इस मौके पर मनोज संसारी, राजीव उधोजी भोसले, दाऊद भाई शेख, शबीर विद्रोही, मुंबई से पंडित भवानी शंकर आदि मौजूद थे। रूबी ताज, इन्होंने कार्यक्रम का अच्छा नियोजन किया था। कहते हैं कि जीवन एक संगीत है, संगीत ही जीवन है। इस संगीत को जिंदा रखने के लिए कई आर्टिस्ट और गायक कलाकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब से कोरोना ने राज्य में शहरों में दस्तक दी है, तब से लेकर आज तक कई संगीत से जुड़े आर्टिस्टों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। पीड़ित कलाकारों का अच्छा जीवन संवर्धन हो, शासन प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं दानदाता कलाकारों को पूरा सहयोग करें, आर्थिक मदद करें, इस उद्देश्य को लेकर संगीत कला एकेडमी नागपुर की अध्यक्ष रूबी ताज, इन्होंने हाल ही में मुंबई और नागपुर के कलाकारों के जीवन संवर्धन के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया। इस प्रोग्राम में गजल, कव्वाली से लेकर भीम गीतों तक आदि गाने कलाकारों ने अपनी जादुई आवाज में पेश की। आइए देखते हैं। कार्यक्रम में शहर के कलाकारों की कला को बढ़ावा दिया गया। इस मौके पर मनोज संसारी, राजीव उधोजी भोसले, दादू भाई शेख, शबीर विद्रोही, विधायक प्रकाश कजबिये, रेखा गुप्ता, जॉय भोसले, रूबिताज आदि महानुभव मौजूद थे। इस मौके पर कलाकारों और महानुभव का सत्कार किया गया। संगीत कला एकेडमी पिछले कई वर्षों से कलाकारों के लिए कामकाज कर रही है। ये पहली बार तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबा ताज का उर्स है जैसा, तो हम लोगों ने सोचा था कि मेरे साथ में संगीत कला अकेडमी नागपुर में हमको एक महीना हुआ है और करीबन 250 आर्टिस्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो एक दिल में ये था कि नहीं सभी आर्टिस्ट एक साथ में बाबा ताज का उर्स मनाएं, तो उनकी लंगर बनाया हम लोगों ने। और इसमें हमारे मुंबई के फिल्म आर्टिस्ट जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, पंडित भवानी शंकर बड़ी नामी हस्ती हैं, स्वरा साठे जी, देविया वर्मा सारेगामपा के विनर हैं, रेखा गुप्ता जी, प्रतिभा जी, ये सभी लोग हमारे, मनोज संसारी जी, ये सभी लोग बाबा ताज की निस्बत में कि हमने बाबा ताज का बहुत नाम सुना है लेकिन कभी आए नहीं, उस तरीके से वो लोग आए। और एक मकसद ये था कि यहाँ पर जो भी लीडर आए या जो भी नेता आए वो हमारे सारे आर्टिस्टों से एक साथ में मिले, क्योंकि हमारा काम धंधा अभी 2 साल से सब बंद है, तो एक वो भी मकसद था। दूसरा मकसद बाबा ताज का उर्स मनाना भी था, और हमारे नागपुर के सारे आर्टिस्ट बाबा ताज की मोहब्बत में और बाबा ताज की निस्बत में सारे कलाकार यहाँ आए हैं। और यहाँ पर सभी कलाकार इसलिए भी शामिल हुए हैं कि सब आपस में एक दूसरे से मिल सकें। संगीत जीवन में संजीवनी का काम करता है, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते सभी कलाकारों के कामकाज बंद पड़े हैं। कलाकारों के परिवार पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। शासन प्रशासन कलाकारों की तरफ 100% ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में मुंबई और नागपुर की संगीत कला एकेडमी अच्छा काम कर रही है। यदि सरकार भी ऐसे हर हुनरी जरूरतमंद कलाकारों को मदद करेगी तो कलाकार जिंदा रहेगा और उसकी कला भी जिंदा रहेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार कलाकारों के जीवन संवर्धन के लिए क्या कामकाज करती है और उन्हें कब न्याय देती है। इस ओर महाराष्ट्र के तमाम कलाकारों की निगाहें लगी हुई है। नागपुर के अमृत भवन से संजय मिरे, BCN News नागपुर।